हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सी सेट की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम डिस्कस करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को कराए भी है, जितने भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए सारे मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके अंदर जितने भी सिक्स ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए, ठीक है। और ये जो क्लास है ये एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स के अंडर चल रही है, एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक्स में आप लोगों को करवा रहे उसके अंडर है, तो इसको भी अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन है स्क्रीन पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट भी है नंबर भी है, तो यहाँ पे देखो एक सीरीज आप लोगों को दिखाई दे रही है जिसके अंदर आपको अल्फाबेट्स भी दिखाई दे रहे और नंबर्स भी दिखाई दे रहे, ओके। अब इस सीरीज के अंदर आप देख रहे हो कि क्या है कि आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह की सीरीज एग्जाम के अंदर आती है तो हमने देखना है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है, अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ नेक्स्ट तो यहाँ पे भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट है। अब ये अल्फाबेट किस लॉजिक में जा रहे हैं, तो अल्फाबेट सीरीज के अंदर ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेट की नंबरिंग है मींस उनकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड से जो नंबरिंग है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मैं इस पे भी आप लोगों का एक पूरे का पूरा लेक्चर हो चुका है आप लोगों का अल्फाबेट्स पे, तो वो अगर चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जब इस सीरीज को आप ज्वाइन करोगे तो इसके अंदर प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो रखे हैं सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पी है, पी इज एट 16th पोजिशन। पी कौन सी पोजिशन पे आता है, 16th पोजिशन पे आता है, ठीक है जी। ए आर 18th पोजिशन पे आता है, पी 20th पोजिशन पे आता है, बी 22 पोजिशन पे आता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास में, 24। देखो 2-2 का गैप जा रहा है, 16, 18, 20, 22, दैट मीन्स कि नेक्स्ट 24 पे। अब 24 पे आप लोगों को पता है कि क्या आता है, 24 पे आता है बेटा x, क्या आता है 24 पे, x आता है, ठीक है। तो हमने ले लिया x, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी भी तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर x आ रहा है स्टार्टिंग में, नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास 3, अब देखो 3, 5, 8, 12, कितने कितने का गैप चल रहा है, कितने कितने का गैप चल रहा है, यस यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, नेक्स्ट 5 का गैप होगा, 5 का गैप हो गया, दैट मीन्स कि 12 से 5 ऐड किया हमने, कितना आ गया आपके पास 17, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 17। अब ये भी दो ऑप्शंस में आ रहा है, दैट मीन्स कि थर्ड भी हमें चेक करना है। अब थर्ड यहाँ पे देख रहे हो आप क्या है, सी, हाँ जी क्या आ रहा है थर्ड पे, क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा है, ठीक है, सी, देन एफ, उसके बाद आ रहा है आपके पास आई, देन एल। मीन्स क्या पता चल रहा है आपको, सी इज एट थर्ड पोजिशन, एफ इज एट 6th पोजिशन, आई इज एट 9th पोजिशन, एल इज एट 12th पोजिशन, मीन्स अगेन 3-3 का गैप आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट जो आएगा लेटर उसकी पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए, 3, 6, 9, 12, दैट मीन्स की 15th पोजिशन होनी चाहिए, एंड वी नो एट 15th पोजिशन वी हैव ओ, क्या होता है आपके पास में 15th पोजिशन पे ओ होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स 17 ओ, ओके क्या आ गया, एक्स 17 ओ। जब भी इस तरह से सीरीज आती है तो आपको जो जो भी एलिमेंट्स गिवन हैं सभी पे आपने देखना है कि क्या रूल अप्लाई हो रहा है, ओके क्लियर है, बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा। फर्स्ट हमने देखा क्या था, अल्फाबेट पी आर टी वी, यहाँ पे 2-2 का गैप था तो हमने 2 का गैप ले लिया। नेक्स्ट पे नंबरिंग पे गैप था आपका कितने का, 2, 3, 4, देन नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, 5 का गैप आएगा, हमने 5 ऐड कर लिया। और जो थर्ड एलिमेंट था उसके अंदर क्या हो रहा था आपके पास, 3-3 का गैप था, देखो सी एफ आई एल 3-3 का गैप है। नेक्स्ट हमने 3 पे लिया, दैट मीन्स कि 15 आ गया, ओके तो क्या आ गया आपके पास में आंसर, एक्स 17 ओ। क्लियर, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, हाँ जी कोई भी डाउट आ रहा हो, डाउट आ रहा हो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी, अगर समझ आ रहा है देन अगेन, ओके नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है आपके पास, फाइंड द मिसिंग टर्म W 144 देन क्वेश्चन मार्क S 100 Q 18 एंड O 64। अब यहाँ पे भी देखो एक आपके पास अल्फाबेट है, एक आपके पास नंबर है, मींस दोनों सीरीज को मिक्स कर दिया, अल्फाबेट और नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे पहले हम अल्फाबेट को उठाते हैं। अब यहाँ पे देखो W, W की पोजीशन पता है आपको कौन सी पोजीशन होती है बेटा, 23, ठीक है। S,
एस इज एट 19th पोजीशन, क्यू इज एट 17th पोजीशन, ओ इज एट 15th पोजीशन, और यहाँ पे आ रहा हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। डन। अब यहाँ पे देखो क्या 15, 17, 19, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 के गैप के बाद 21 आना चाहिए। जब यहाँ पे 21 आना चाहिए दैट मीन्स कि 21 की पोजीशन पे, 21th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, हमें पता है कौन सा आता है, यू आता है। दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा आपके पास, यू आ जाएगा। ओके क्लियर, हाँ जी, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है हमारे पास है क्या यहाँ पे, नंबर। नंबर अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म में क्या आना चाहिए, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो ये क्या है, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा मेरे पास में, 121। क्या बनेगा हमारे पास में, 121। तो क्या आ जाएगा, U121। अब U पे आपके पास में दो मिल रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, 21 वाला चाहिए, 11 का स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, U21। ओके डन। दे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में अगेन सीरीज है। सीरीज क्या आ रही है, C3E5G7I9 एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मीन्स एक अल्फाबेट मैंने फाइंड आउट करना और एक हमने क्या फाइंड आउट करना, नंबर। ओके, तो अगर मैं अल्फाबेट यहाँ पे देखूँ तो अल्फाबेट आप देख रहे हो क्या आ रहा है, सी ई जी आई, ठीक है, और साथ में जो नंबर आ रहा है, नंबर पे क्या, उसी का कोरस्पोंडिंग नंबर है, उसी का कोरस्पोंडिंग नंबर है। अगर मैं अल्फाबेट सीरीज देखती हूँ, ABC की जो हमारी सीरीज होती है अल्फाबेट की 26 लेटर्स की, तो उस केस के अंदर आप देख रहे हो कि ये क्या आ रहा है, उसके पर्टिकुलर नंबर आ रहा है। डन। तो अब यहाँ पे हम अल्फाबेट से देखते हैं क्या आ रहा है, सी ई, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2-2 का गैप आ रहा है, एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, आई, आई के बाद जे को छोड़ के क्या आ गया हमारे पास, जे को स्किप कर दिया, 2-2 का गैप आ रहा है ना। देखो ये है थर्ड पे, ठीक है, ये है फिफ्थ पे, ये है सेवंथ पे, नाइन्थ पे, तो देन क्या आएगा नेक्स्ट पे, 11th पे, 11th पोजीशन पे क्या आता है आपके पास, क्या आता है, दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, के 11। ओके नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो उसके अंदर अगेन आप 2 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे दैट मीन्स कि 13 आ जाएगा। 13th पोजीशन पे क्या आता है आपके पास में, M आता है, और M की पोजीशन क्या है, 30। तो क्या आ जाएगा, K 11 एंड M 13, K 11 M 30। बताइए कोई इसमें डाउट, सिंपल। मैं वही बात आप लोगों को कह रही हूँ कि सी सेट के अंदर एक क्वेश्चन अल्फान्यूमेरिक सीरीज का आता ही आता है, ठीक है। अब हर तरह की सीरीज में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, एंड तक वीडियो को देखना सभी ने। ओके, अब देखिए कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप खुद देख रहे हो कि बिल्कुल ईजी है, ईजी है, एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हमने स्किप कर रहा है, स्किप नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास KM5 IP8 GS11 EV14। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है, हाँ जी ध्यान से देखिए, K इज एट 11th पोजीशन, I 9th पोजीशन, G 7th पोजीशन, E 5 पोजीशन, मींस क्या हो रहा है, हर बार दो दो कम हो रहे हैं, हर बार दो दो कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, देखो 11, ठीक है जी, उसके बाद है 9, उसके बाद है 7, उसके बाद है 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3, दैट मीन्स कि C। ओके नेक्स्ट देखो, M इज एट 13th पोजीशन, ठीक है, P 16th पोजीशन, S 19th पोजीशन, V 22 पोजीशन, मीन हर बार क्या हो रहा है, देखो 3 ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, 22 प्लस 3 25 पे क्या आएगा आपके पास में, Y आएगा। ओके अब बात करें नंबर की, क्या हो रहा है, 5 3 3 3, हर बार क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 14 प्लस 3 17, क्या आ जाएगा आपके पास, 17, CY 17, क्या आ गया, CY 17। डन। नेक्स्ट देखिएगा, चलो जी नेक्स्ट खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है सभी ने, मेरे साथ साथ में खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है सभी ने। देखो अभी क्या हो रहा है आपके पास में, 25 25, नेक्स्ट टर्म है 23, क्या हो रहा है, -2 21 -2 19 -2, हर बार क्या हो रहा है, -2 19 के बाद में फिर क्या आएगा, -2 अगर मैं करती हूँ तो क्या आ गया मेरे पास, 17। डन। नेक्स्ट देखो, K इज एट 11th पोजीशन, आई
नाइन्थ पोजिशन, जी सेवंथ पोजिशन, ई फिफ्थ पोजिशन. अगेन क्या हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, टू माइनस हो रहा है, टू माइनस हो रहा है. तो इससे अगर मैं माइनस टू करती हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, थ्री. एंड एट थर्ड पोजिशन वी हैव सी. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में. नेक्स्ट देखिए क्या है, एट. एट क्या हो रहा है, प्लस थ्री. थर्टीन से फोर प्लस थ्री, ये प्लस थ्री है बेटा, ठीक है. फोर्टीन प्लस थ्री. अब यहां से अगर मैं करूं प्लस थ्री, कितना आ जाएगा, ट्वेंटी. ओके, तो क्या आ गया हमारे पास में, ट्वेंटी. दैट मीन्स व्हाट, सेवनटीन सी ट्वेंटी, सेवनटीन सी ट्वेंटी. एंड दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है, अगेन वी हैव अल्फाबेट एंड नंबर बोथ. तो फर्स्ट क्या है आपके पास, अल्फाबेट है. अल्फाबेट क्या है, एन, ठीक है. अब एन के बाद यहां पे क्या आ रहा है, ओ, मींस नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है. चलो जी, फर्स्ट और लास्ट तो पता चल गया. वैसे भी यहां पे तो फर्स्ट और लास्ट तो गिवन है. जब आपके पास में ऑलरेडी गिवन है तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्यों हम इस पर ध्यान दें, आगे देखो. ये एन, ये जो नंबरिंग आ रही है, नंबरिंग किस हिसाब से आ रही है वो देखनी. एन इज एट फोर्टीन पोजिशन, एंड अगला क्या है, उससे कंसेक्यूटिव नंबर है. नेक्स्ट है, ओ इज एट फिफ्टीन पोजिशन. दैट मीन्स क्या आ रहा है आपके पास, फोर्टीन फिफ्टीन. अब एट, एच का मुझे पता है, एट आई नाइन्थ, एट नाइन्थ मीन्स क्या है कि हमें क्या लेना है, इसकी पोजिशन. यू, यू इज एट ट्वेंटी फर्स्ट पोजिशन, बी इज एट ट्वेंटी टू पोजिशन. क्या आ जाएगा, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू. ओके, बताइए कोई इसमें डाउट. एक बात का ध्यान रखना है, जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट की नंबरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबरिंग बोथ. ओके, इसके अलावा अपोजिट लेटर कौन सा आ रहा है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सी फोर एक्स एफ नाइन यू एंड देन आई सिक्सटीन आर, आई सिक्सटीन आर. अब यहां पे देख रहे हो आप क्या, सी, सी इज एट थर्ड पोजिशन, F is at sixth position and I is at ninth position. ठीक है, three three का gap है. That means कि next पे क्या आएगा, three six nine and twelve. That means कि twelfth position पे क्या आता है, हमें पता होना चाहिए twelfth position पे आता है L. हमने क्या लिख दिया, L. Next देखो, four two square nine three square and sixteen four square two three four. तो next term में क्या आएगा, five square. क्या आएगा हमारे पास में, five square. Five square क्या होता है आपके पास, twenty five. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्या है, एक्स, एक्स, एक्स इज एट ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन. एक्स कौन से पोजिशन पे आता है, ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन पे. यू इज एट ट्वेंटी फर्स्ट पोजिशन, आर इज एटीन पोजिशन. अगेन यू कैन सी यहाँ पे कितने का गैप है, माइनस थ्री, देन माइनस थ्री. अब नेक्स्ट टर्म में भी क्या करेंगे, माइनस थ्री, माइनस थ्री, दैट मीन्स की फिफ्टीन. ओके, और फिफ्टींथ पोजिशन पे क्या आता है, ओ आता है. फिफ्टींथ पोजिशन पे क्या आता है आपके पास में, ओ आता है. ओके, हाँ जी, तो ओ आता है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, ओ. सो आंसर क्या आ जाएगा, एल ट्वेंटी फाइव ओ, एल ट्वेंटी फाइव ओ विल बी द करेक्ट आंसर. डन, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन. अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करेंगे सभी के सभी. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, टू बी फोर सी एट ई फोर्टीन एच. देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, टू फोर एट एंड फोर्टीन. एक नंबर सीरीज चल रही है, क्या चल रही है, टू फोर एट एंड फोर्टीन. नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या आएगा. देखो क्या गैप आ रहा है बेटा, प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स, टू फोर सिक्स. दैट मीन्स क्या आएगा नेक्स्ट, प्लस एट. कितना आ गया, फोर्टीन प्लस एट ट्वेंटी टू. दैट मीन्स कि नेक्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास में, ट्वेंटी टू. ओके, ट्वेंटी टू पे वैसे तो एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर आ जाएगा. बट अभी अल्फाबेट भी एक बार मैं समझाती हूँ कि क्या आएगा. अल्फाबेट पे देखो क्या लगा हुआ है, सिंपल है. बी, बी, बी कौन सी पोजिशन पे बेटा, सेकेंड पोजिशन पे. यहाँ पे लिख देती हूँ, बी सी ई एंड एच. ओके, बी इज एट सेकेंड पोजिशन, सी इज एट फर्स्ट पोजिशन, ई इज फिफ्थ पोजिशन एंड एच इज एट एट्थ पोजिशन. ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो, सी थर्ड पोजीशन पे ना बेटा, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, प्लस वन प्लस टू एंड देन प्लस थ्री. तो नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस फोर.
4, दैट मींस कि कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 8 प्लस 4 12, एंड एट 12th पोजीशन वी हैव L, ओके तो क्या आ जाएगा 22L। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट आ रहा, कोई भी इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा? डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2Z5 7Y7, हाँ जी मिसिंग अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अभी मिसिंग अल्फाबेट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो सभी ने साथ साथ सॉल्व करते चलो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए क्या, 2Z5 7Y7 14X9 23W11 एंड 34V13। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एक टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या है, 2 से 7 5 ऐड हो गया, ठीक है, उसके बाद में 7 ऐड हो गया, ठीक है, हाँ जी, उसके बाद में आप देख रहे हो 9 ऐड हो गया, उसके बाद आप देख रहे हो 11 ऐड हो गया, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड हो जाएगा, देखो 5 7 9 11 11 के बाद 2 ऐड किया, कितना आ गया 13 आ गया, दैट मीन्स व्हाट कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 13 ऐड कर देंगे, एंड व्हेन यू विल ऐड 13 इन 34 देन वी विल गेट 47, ओके क्या आ गया आपके पास में 47 आ गया, ओके अब देखते हैं हम अल्फाबेट, अल्फाबेट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो बैक जा रहा है Z Y X W V, तो अगर हम बैक जाते हैं तो V के बाद क्या आ रहा है, U आएगा, तो क्या आ गया आपके पास में U, ओके अब आते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर वैसे तो देखो यहीं से आपके पास में आंसर आ गया 47U, यहीं पे आ गया, ठीक है, पर फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन के अंदर थर्ड तक भी कंफ्यूजन होती है, तो थर्ड भी देख लीजिए क्या आ रहा है आपके पास में, हाँ जी 5 से 7 प्लस 2 देन बेटा प्लस 2 एंड प्लस 2, तो प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया 13 प्लस 2 47U 15 विल बी द करेक्ट आंसर, डन, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है आपके पास में 2A11 4D13 12G17, ओके तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हाँ जी ध्यान से समझो 2 4 12 2 4 12, पहला नंबर आ रहा है 2 4 एंड देन 12, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, यही हो रहा है, देखो तो 12 × 4 कितना आ जाएगा 48, एक टर्म क्या आ गया आपके पास 48 बट 48 हमें दो में मिल रहा है, नेक्स्ट में चेक करो, नेक्स्ट में अब जे आ रहा है, चेक करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में जे आ रहा है, बट आप लोगों को समझाने के लिए एक बार मैं बताती हूँ, नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है A D G A इज एट फर्स्ट पोजीशन, D इज एट फोर्थ पोजीशन एंड G इज एट सेवंथ पोजीशन, क्या हो रहा है प्लस 3 देन अगेन प्लस 3, दैट मींस 10th, एंड एट 10th पोजीशन वी हैव जे, दैट मींस कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास जी, ओके एंड अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं नंबरिंग में तो क्या आ रहा है 11 13 एंड 17 11 13, दैट मींस क्या हो रहा है प्लस 2, उसके बाद में क्या हो रहा है देन आपके पास में प्लस 4, यही हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है देखो 11 से 13 क्या प्लस 2, 13 से 17 क्या हो रहा है प्लस 4, 2 4, तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा प्लस 6, क्या आ जाएगा प्लस 6, तो अगर मैं प्लस 6 करती हूँ तो 17 प्लस 6 क्या आ गया 23, दैट मीन्स व्हाट 23, आंसर विल बी 48J23, ओके हाँ जी बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आई होप सभी कर लेंगे, हाँ जी अब नेक्स्ट आता है आपके पास में नेक्स्ट टाइप, ये टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार जो आपका 21 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी यही टाइप आई हुई थी एग्जाम के अंदर, क्या है मिसिंग अल्फाबेट्स, मींस आपके पास में सिर्फ अल्फाबेट्स गिवन है और उसके अंदर से आपको मिसिंग अल्फाबेट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है बेटा, कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, क्या हो रहा है कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और हमें वही फाइंड आउट करना है कि क्या रिपीटेशन हो रही है, ठीक है तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप ये एक बार चेक कर लो कि इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं,
नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, ठीक है। जल्दी से सारे के सारे चेक कर लेंगे कि कितने, फिर उसके बाद में देखो कितने कितने का पेयर बन सकता है। ओके कैसे, देखो जैसे यहीं पे हम यहाँ पे चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 अल्फाबेट्स हैं, 24 अल्फाबेट्स हैं। अब 24 को कैसे कर सकते हो आप, 6 × 4 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 × 8 हो सकता है। तो सबसे पहले ना बड़े वाला पेयर उठा के देखो कि हाँ जी बड़े वाले पेयर से अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं 6 × 4 का पेयर। ओके 6 6 के ग्रुप बना लो, 6 6 का अगर मैं ग्रुप बनाती हूँ तो मेरे पास में क्या बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी ये हो गया हमारे पास में बेटा 6 6 6 का पेयर बना रहे हो आप, तो कितना आ गया ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 हाँ 6x तक जाएगा ना, 6 6 का पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया, डन। नेक्स्ट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डन। नेक्स्ट देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब पहले देखो कि मेरा 6 से बन रहा है, 6 से अब चेक करो, 6 से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई रिपीटेशन कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास में, वाई एक्स जेड पी एक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, जेड पी एक्स आ रहा है, जेड पी एक्स आ रहा है। तो पहले मैं जेड पी एक्स बनाती हूँ, देखो यहाँ पे जेड पी एक्स बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे जेड लिख दूंगी तो जेड पी एक्स बन जाएगा, यहाँ पे देखो जेड, यहाँ पे अगर मैं पी लिखती हूँ तो जेड पी एक्स बन जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या आ रहा है, इससे पहले आ रहा है वाई एक्स, वाई के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में, एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखो देख ध्यान से, सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है वाई और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में एक्स, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अब वाई एक्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यही बन रहा है एक्स वाई एक्स, क्या बन रही है हमारे पास में एक्स वाई एक्स, इसको भी यही बनाते एक्स वाई एक्स वाई एक्स। ओके अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस पे भी क्या बनाऊंगी एक्स वाई एक्स, यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो क्या बन जाएगा एक्स वाई एक्स, बताओ कोई इसमें समझ आ रहा है ना। देखो हमने क्या किया, पहले देखा टोटल कितना है, ग्रुप बना लिया, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद में हमने देखा कि हाँ जी वही टर्म्स रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही, तो सेम ही बनाना आपने। तो यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न बन रहा था, मैंने यही पकड़ लिया, तो अब इस हिसाब से देखो तो हमारे पास में क्या बनेगा एक्स पी जेड एक्स एक्स, और ये कहाँ पे आपके पास में एक्स पी जेड एक्स एक्स, दैट मीन्स कि फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, अगेन आपके पास में एक मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, काफी सारी टर्म्स मिसिंग है, तो देखो क्या है। अब यहाँ पे भी हमने अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले ये देखो कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं कितने, जो सीरीज है सीरीज के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अल्फाबेट्स है, दैट मीन्स वट कि अपने पास में या तो 5 × 3 का पेयर बनेगा या फिर 3 × 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। अभी पहले 5 × 3 का पेयर हम ट्राई करते हैं, पहले मैंने क्या किया, बड़े वाला पेयर ट्राई किया करो कि ज़्यादा ग्रुप का, ठीक है, फिर छोटे वाला। अब देखो यहाँ पे अगर हम 5 देखें तो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
जेड वाई है, यहाँ पे भी पी जेड वाई है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पी जेड वाई आएगा, तो यहाँ पे आ गया पी जेड वाई। ओके, अब हमने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी स्टार्टिंग में सभी में एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स कर देते हैं हम, एक्स और एक्स। ओके, अब बीच में सभी में सेम टर्म आनी चाहिए, सेम टर्म आनी चाहिए। अब पहले हम देखते हैं कि भी एक ऐसी टर्म जिसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, जेड एक्स और एक्स। ये देखो इसमें अब हमारे ऑप्शन में कहाँ पे जा रहा है, हमारे पास में हमारी ऑप्शन के अंदर हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल रहा है, ये वाली टर्म जा रही है जिसके अंदर वाई तीन बार आ रहा है, क्योंकि मुझे वाई चाहिए तीन बार। मीन्स एक टर्म ऐसी है जो तीनों में सेम आएगी, तीनों जगह पे सेम आएगी। तो हमारे ऑप्शन पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। मैं ऑप्शन क्यों देख रही हूँ, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था, टी हो सकता था, पी हो सकता था, पी तो ऑलरेडी है, एम हो सकता था, कुछ भी इस तरह सा जो कि यहाँ पे आपके पास में तीन बार रिपीट हो रहा है, तीनों ब्लैंक स्पेस पे सेम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, वाई आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, वाई
वाई और वाई क्या जाएगा वाई, ठीक है वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई, तो ये टर्म कौन सी है वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई, तो आंसर विल बी ऑप्शन फोर। बताइए कोई इस पे डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अगर समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। जिन्होंने इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया वो सीरीज को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल फ्री सीरीज है। इसके अंदर अभी हम आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर अगर आपके हो जाते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके तो इस सीरीज को सभी ने ज्वाइन करना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करी जो सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो सभी इस सीरीज के अंदर करवा रहे हैं। जो अभी तक के लेक्चर हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, और हर एक लेक्चर पीडीएफ के साथ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप सभी ज्वाइन करेंगे इसको। ओके हाँ जी, अगर किसी को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक भी ले सकते हो। अभिपीडिया के अंदर बेटा हर एक स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह से अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। ओके तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक बार लिंक्स को एक्सप्लोर करो, काफी कुछ मिलेगा आप लोगों को जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जल्दी से करिए, आई थिंक आंसर आ गया होगा आप लोगों का। हाँ जी बना कुछ, देखिए यहाँ पे देखो आप, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो कितने आ रहे हैं अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बन रहा है बेटा, 18 बन रहा है, 6 इंटू थ्री बनाएंगे, 6 इंटू थ्री बनाएंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। ओके सेम वे 1 2 3 4 5 6, ये तो 5 ही बना ना, 6 तक जाएंगे। ठीक है ना, हाँ जी 6 बन गया। अब देखिए, अब देखो कुछ क्लियरिटी आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको इसका पार्टीशन किया, आई होप अब क्लियरिटी आ रही होगी कि क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, y y x, लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास में x y x, तो हमें लास्ट में क्या बनाना है x y y x कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर y होगा ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास में y x बनाना है तो यहाँ पे भी y x आ गया, ठीक है x y y x, दैट मींस कि यहाँ पे भी x आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आप टर्म में देख रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ रही है, y आ रही है, y है, दैट मींस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में y आ जाएगा, तो टर्म क्या बन रही है x y y x, डन। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आपके पास में, सेकंड टर्म क्या आ रही है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। अब देखो सेम टर्म आ रही है, क्या बन रहा है सभी में y x x y y x, डन। तो अब यहाँ पे आपके पास में क्या पैटर्न बन के आया, y y y, ये x है बेटा, देखो यहाँ पे आप देखो y x x, मैंने ये x लिखा है, देखो ये जो है ये x है, देखो ना यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बन के आ रहा है, पैटर्न बन रहा है हमारे पास y x x y y x, x और y में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये पैटर्न बन के आया है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है x है, डन। अब ये पैटर्न अगर आपको बनाना है तो क्या आ रहा है हमारे पास में, पहले आ रहा है हमारे पास y x y y x, डन। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये है y x y y x, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी पहले 14 करो, 14 देखो क्या, -y z -z x x y x -x, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास में, यहाँ पे आप देख रहे हो कितने बन रहे हैं आपके पास में, 3 3 6 18 हो गया, 18 है, 18 अगेन हम ट्राई करेंगे 6 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6, अगर हम 6 इंटू 3 ट्राई करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा, 1 2 3, ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 1 2 3 4 5 6
ओके इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं रिपीट देखूँ क्या करते हम, ये देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पैटर्न चल रहा है, लास्ट में चल रहा है जेड एक्स वाई, बट यहाँ पे तो जेड आ रहा है, यहाँ पे तो एक्स आ रहा है, बट यहां से मुझे क्या पता चला कैसे चल रहा है अपने पास में एक्स, ठीक है ना, तो वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स इस तरह से कुछ चल रहा है। अब थ्री वाई सिक्स का अंदर देखो, अगर मैं इसको थ्री सिक्स के अंदर कन्वर्ट करती हूँ तो ये देखो दैट मीन्स कि सेम पैटर्न नहीं चल रहा अपने पास में, सेम पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपके पास में क्या चल रहा है देखो, यहाँ पे ये हो रहा है अपने पास में देखो एक्स, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा एक्स जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, फिर वाई से शुरू होगा, फिर एक्स से शुरू हो गया। देखो अब यहां से जैसे थे, क्या था एक्स वाई जेड, ठीक है, पहला एक्स से शुरू है, नेक्स्ट किससे शुरू होगा वाई से, वाई जेड एक्स, ठीक है, तीसरा किससे शुरू होगा जेड से, जेड एक्स वाई, फिर एक्स वाई जेड, देन आपके पास में एक्स से सॉरी वाई से जहां से भी शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखो पहले x से शुरू हो रहा है, फर्स्ट वाला किससे शुरू हो रहा है x से, ये एक बड़ी कॉमन सीरीज है, ABC में भी आती है, ये काफी कॉमन सीरीज है ये आपके पास में, देखो एक्स वाई जेड, फिर दूसरे में क्या आएगा y, फिर z, फिर x, ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ पे y, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देख रहे हो किससे शुरू हो रही है z से, डन क्लियर, तो यही बनेगा सीरीज, सिंपल सीरीज है। तो क्या बन गया आपके पास में पैटर्न बन के आएगा बेटा एक्स वाई जेड वाई वाई, तो ये हमारे पास में कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट के अंदर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश एक्स वाई एक्स डैश डैश वाई एक्स एंड एक्स वाई, काफी इजी है, काफी ज्यादा इजी है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी आया हुआ है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म आ रही है एक्स और वाई, और तो तीसरी टर्म है ही नहीं, एक्स वाई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल, देखो एक्स वाई एक्स वाई, अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ एक्स वाई तो क्या बन गया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सिंपल, क्या टर्म बन रही है आपके पास एक्स वाई रिपीट हो रहा है, सिंपल है, तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में आंसर एक्स वाई, अगर हम पूरा कंप्लीट देखते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास में एक्स वाई, ब्लैंक में क्या आ गया वाई एक्स एंड देन वाई, ये कहाँ पे आपके पास एक्स वाई वाई एक्स वाई, सो दिस इज ऑप्शन सेकेंड, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर, डन। सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, आई होप समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैंने डिटेल में करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, पजल्स हो गए है आपके पास में, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, पैराग्राफ्स, तो वो सभी के सभी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना माइक्रो कोर्सेज के अंदर, तो माइक्रो कोर्स में जाके किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा क्वांट थोड़ा सा मुश्किल है, क्वांट के अंदर इश्यू आ रहा है, सिर्फ आप क्वांट ले सकते हो, वीडियो लेक्चर्स में जब आप जाओगे तो क्वांट आप सिर्फ ले सकते हो। सेम भी अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है, सिर्फ आप लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में इश्यू आ रहा है, आप सिर्फ इंग्लिश ले सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से आप कोर्स चूज कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।